हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं भी अच्छा हूं। तो बेटा, आज की जो क्लास है उसमें हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा, हमारा जो ये टॉपिक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो इसमें बेसिकली हम करेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 22, और इसी के साथ करेंगे बेटा क्लॉज ए बी सी डी ई। ये पांच जो है क्लॉज, ये भी हम साथ में करेंगे। सेक्शन नंबर 56 करेंगे, 57, सेक्शन 58, सेक्शन 59, सेक्शन 94, सेक्शन 115BB, सेक्शन 115BDA और सेक्शन 115O। बेसिकली इतने हम सेक्शन करेंगे। तो बेटा 10 सेक्शन के अराउंड जो है ओवरऑल हम इसमें करने वाले हैं। तो मोटा मोटी बेटा 9 से 10 सेक्शन जो है हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डील करेंगे। इन सभी सेक्शन को करने से पहले जो है बेटा, पहले सबसे पहले हम समझेंगे नीड फॉर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये जो हेड बनाया गया है बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बेसिकली ये किस लिए बनाया गया, तो समझिए बेटा। चार हेड अभी तक हमने पढ़े। नंबर वन पे बेटा सैलरीज का था, सेकंड नंबर पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड हमने पढ़ा बेटा पीजीबीपी, और फोर्थ हमने पढ़ा था बेटा कैपिटल गेन। तो सैलरी हेड में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो भी कुछ मिला वो क्या हो गया बेटा, सैलरी में टैक्सेबल हो गया। सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन फिलहाल हम मोटा मोटी समझ रहे कि उस हेड में कौन सी इनकम आती है, ठीक है बेटा। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में हमने क्या सीखा कि अगर असेसी के पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है तो उससे होने वाली रेंटल इनकम वो टैक्सेबल है। पीजीबीपी यानी अगर असेसी कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस से होने वाली, या कोई प्रोफेशन कर रहा है असेसी तो प्रोफेशन से होने वाली इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। फोर्थ हेड हमारा बेटा कैपिटल गेन हेड, इसमें हमने समझा कि कैपिटल एसेट का अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो बेटा कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा। तो चार हेड में हमने ये बातें सीख ली थी। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये जो हेड है क्या, देखिए बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो हेड ये बना हुआ है ये रेजिडुअल हेड है, यानी इन चार हेड्स में कोई भी इनकम अगर फॉल नहीं करती तो वो कहाँ पर जाएगी, वो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। जो चार हेड्स ऑफ इनकम है बेटा उनमें जो स्पेसिफिक और रेलिवेंट इनकम है वो आनी है, और उन हेड्स के अलावा अगर कोई असेसी के पास इनकम अराइज हो रही है या एक्रू हो रही है, रिसीव हो रही है, तो वो कहाँ टैक्सेबल की जा रही है बेटा, वो टैक्सेबल की जा रही है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। तो देखते हैं बेटा कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। तो सबसे पहले जो हम सेक्शन डील करने वाले हैं वो है बेटा सेक्शन 56। चलिए शुरू करते हैं बेटा सेक्शन नंबर 56। ओवरऑल बेटा सेक्शन 56 में जो हमारे कोर्स में है उसमें हम सात तरह की इनकम पढ़ेंगे। नंबर वन जो होगी वो होगी बेटा हमारी डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम। नेक्स्ट बेटा वो है हमारी कैजुअल इनकम। अब ये होती क्या है, कैसे टैक्सेबल होगी, ये सब समझेंगे बेटा। और थर्ड जो होती है हमारी वो होती है बेटा कंसिडरेशन, अगर हम एक्सेस रिसीव करते हैं FMV ऑफ शेयर से, यानी अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी है, वो अपने शेयर इशू कर रही है, और जो इशू उसने शेयर किए बेटा अपने FMV से ज़्यादा प्राइस पर इशू कर दिए, तो ये जो एक्सेस कंसिडरेशन होती है ये टैक्सेबल हो जाती है बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो हम इसे बोला करते हैं कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ FMV ऑफ शेयर्स इशूड बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी भी बोल सकते हैं बेटा और क्लोजली हेल्ड कंपनी भी बोल सकते हैं। बुक्स में क्लोजली हेल्ड कंपनी लिखा होगा तो आप कंफ्यूज मत होना, उसका मतलब होता है प्राइवेट कंपनी, ठीक है। फोर्थ जो टाइप होगा बेटा वो होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन और एनहांस्ड कंपनसेशन, ठीक है बेटा। कैपिटल गेन चैप्टर में हम इसे वैसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाऊंगा जब हम फोर्थ टाइप की इनकम करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ टाइप जो हम बात करते हैं वो एडवांस फॉर फ्यूचर की बात करते हैं। एडवांस फॉर फ्यूचर याद करिए सेक्शन 51, इसे भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब वो हम डील करने वाले हैं 56 to 10। ये जो सेक्शन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, और डिविडेंड इनकम में बेटा सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 कैपिटल ई, ये दो सेक्शन इस चैप्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिटेल में करेंगे, अच्छे से समझेंगे। 56210 किसकी बात करता है? 56210 बात करता है कि अगर कोई असेसी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन रिसीव कर रहा है एक पर्टिकुलर अमाउंट से एक्सेस में, तो उस केस में जो ये एक्सेस अमाउंट रिसीव हो जाती है कंसिडरेशन की, वो टैक्सेबल हो जाती है बेटा इन द हैंड्स ऑफ अ रेसिपिएंट। ठीक है, और लास्ट जो हम पढ़ेंगे बेटा वो हम पढ़ेंगे टर्मिनेशन के टाइम पे अगर एसएससी को कोई पेमेंट मिलती है, कंपनसेशन मिलती है, तो वो टैक्सेबल हो जाया करती है। इसे भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था पीजीबीपी में, जब हम पीजीबीपी पढ़ रहे थे वहाँ पे डिस्कस किया था, सैलरी चैप्टर में भी हमने इसे डिस्कस किया था। सेक्शन है इसका बेटा 56211, तो कंपनसेशन जब मिलती है एसएससी को, कब मिल रही कंपनसेशन? टर्मिनेशन पर। किस चीज का टर्मिनेशन हो रहा है? ऑफिस एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, याद आया बेटा? तो ओवरऑल हम ये 7 टाइप की इनकम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बेटा सबसे पहले डिविडेंड इनकम से, डिविडेंड इनकम को। सबसे पहले वाले टाइप की इनकम की बात करते हैं बेटा, डिविडेंड इनकम। अब देखिए डिविडेंड इनकम आमतौर पर जो हमने समझा है, जो जाना है, अकाउंट्स में हम पढ़ते हैं कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया करती है, सब पढ़ा होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस मिलती है। लेकिन बेटा जब इनकम टैक्स एक्ट में हम डिविडेंड पढ़ते हैं तो स्कोप जो है बेटा वो काफ़ी वाइड है। डिटेल में डिविडेंड पढ़ने से पहले मैं आपके साथ डिविडेंड का जो बेसिक कंसेप्ट है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं उसे एक बार बेटा करना चाहता हूँ। तो होता क्या है, देखिए बेटा यूजुअली आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि कंपनीज जो होती है अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया करती है, ये पढ़ा होगा बेटा शेयर होल्डर, और इसे क्या मिला? इसे मिला बेटा डिविडेंड। ठीक है, सिंपल एक ट्रांजैक्शन है, इतना आपको सभी को पता है। अब देखिए अब इनकम टैक्स का रोल आना शुरू होता है धीरे धीरे। 1150 ये बेटा एक सेक्शन है, ये सेक्शन बात करता है कि कोई डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है या पे करती है। तो सेक्शन 1150 बोलता है कि उस कंपनी को देना पड़ेगा एडिशनल इनकम टैक्स, एडिशनल इनकम टैक्स देना पड़ेगा उस कंपनी को। किस रेट से देना पड़ेगा? रेट होगा 15% का। ठीक है, जिसमें 12% का सरचार्ज भी ऐड होगा और 4% का एजुकेशन सेस, ये भी इंक्लूड किया जाएगा। तो अब ट्रांजेक्शन क्या बनी बेटा? ट्रांजेक्शन ये बनी कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड को डिक्लेयर कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या पे कर रही है, तो उस डिविडेंड पर वो एक एडिशनल इनकम टैक्स देगी एट द रेट ऑफ 15%। ठीक है बेटा, 12% सरचार्ज प्लस 4% सेस, इसकी भी बात करते हैं अभी। फिलहाल इतना समझिए कि 15% जो है वो उस पर एडिशनल इनकम टैक्स देगी। ये जो एडिशनल इनकम टैक्स कंपनी दे दिया करती है इसका नाम होता है बेटा DDT, या कई जगह इसे CDT भी बोला जाता है। बात एक ही है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स। ठीक है बेटा, अब कंपनी ने जो है बेटा डिविडेंड पे तो टैक्स पे कर दिया, क्या जब ये शेयर होल्डर को मिलेगा क्या ये भी इस पर टैक्स देगा? आंसर इज नो। याद करिए बेटा प्रोविजन, एक मैंने आपको पढ़ाया था कि जब एक पर्सन इनकम पर टैक्स दे देता है और उस इनकम को वो पर्सन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या बेटा ट्रांसफर कर रहा है किसी अनदर पर्सन को, तो उस इनकम पर दोबारा टैक्स नहीं लगा करता। और मैंने आपको ये भी बताया था एक पर्सन का एक्सपेंडिचर अगर अलाउ किया जा रहा है तो दूसरे की वो इनकम कंसिडर कर ली जाएगी, याद है PGBP में ऐसा पढ़ा था हमने। तो इस केस में भी सेक्शन 1150 ने कंपनी के ऊपर तो लगा दिया बेटा DDT, डिविडेंड के ऊपर DDT पे कर रही है कंपनी, तो शेयर होल्डर के हैंड में एग्जेम्प्ट कर दिया गया है बेटा ये डिविडेंड। और ये एग्जेम्प्ट कहाँ किया गया है? ये किया गया है सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 में। ठीक है बेटा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1150 सबसेक्शन 1B बात करता है बेटा ग्रॉसिंग अप के बारे में, कि ये जो डिविडेंड पे किया जा रहा है इसका होगा बेटा ग्रॉसिंग अप। अब ये ग्रॉसिंग अप क्या होता है सर? तो समझिए बेटा, देखिए सपोज एक कंपनी जो है वो 100 रुपीज़ का डिविडेंड पे कर रही है। ठीक है, तो कंपनी क्या चाहती है? अपने ईच शेयर होल्डर को 100 रुपीज़ का डिविडेंड देना, लेकिन इनकम टैक्स लग गया उस पर बेटा, कितना लग गया? 15% का। तो जो इफेक्टिव डिविडेंड मिल रहा है वो कितना मिलेगा शेयर होल्डर को? वो 85 का मिला, लेकिन कंपनी क्या चाहती है? 100 का।
तो इसका मतलब कंपनी को कितने रुपए देने पड़ेंगे ताकि उसे 100 रुपीज जो है इफेक्टिवली पहुंच जाए उसके शेयर होल्डर के पास। तो 100 को 85% मान ले बेटा हम, ये आएगी सर 117.64706, ठीक है, इतना ये आएगा बेटा। तो इस केस में बेटा शेयर होल्डर को कितने मिलेंगे, शेयर होल्डर को मिलेंगे 100 रुपीज, और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसे कितने मिलेंगे बेटा 17.64706, इतनी अमाउंट मिल जाएगी। यानी इफेक्टिवली अगर 100 रुपीज़ पहुँचाने हैं शेयर होल्डर के पास तो कंपनी को बेटा 117.64706 117.65 रुपये 117.65 रुपीज़ कंपनी को जो है बेटा पे करने पड़ेंगे, तब जाके अपने शेयर होल्डर को वो 100 रुपीज़ दे पाएगी। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि जो डिविडेंट है उसके ऊपर 12% का सरचार्ज लगता है और 4% का क्या लगता है, एजुकेशन सेस। अब यहाँ पर बेटा 17.64706 ये डिविडेंट दिया जा रहा है 100 रुपीज़ के ऊपर, तो क्या रेट हो गया 17.64706 डिवाइडेड बाय 100, कितना परसेंट हो गया बेटा, ये हो गया सर 17.64706% हो गया। अब इसमें बेटा ज़रा 12% का तो ऐड कर दीजिए सरचार्ज और 4% का क्या ऐड कर दीजिए, एजुकेशन सेस, तो ये अब आएगी कंप्यूट होके वो आएगी बेटा 20.555%। तो इफेक्टिव रेट क्या बना बेटा डिविडेंड का 20.555%, ग्रॉसिंग अप यही होता है बेटा। यानी 15% से आप कहाँ पहुँच गए 20.555%, 20.55 भी बोल सकते हैं, 56 भी कर सकते हैं, ठीक है, बट अप टू 2 डिजिट तक लेना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक कंसिडर करना, अदरवाइज बेटा आंसर में जो है डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। आप 3 डिजिट तक करना चाहें तो कर सकते हैं, एक्यूरेसी और अच्छी हो जाएगी, लेकिन 2 डिजिट से कम मत करना वरना आंसर में डिफरेंस आता है, एग्जामिनर फिर बेटा उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर आंसर को आपको टैली कर पाए, वो जो उनके पास आंसर शीट होती है उसमें से डिफरेंस आ जाएगा तो वो आंसर बेटा गलत कर देते हैं, ठीक है। तो 1150 समझ आ गया बेटा कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है या पे करती है अपने शेयर होल्डर को, तो उस केस में कंपनी पे बेटा DDT लग जाता है, एडिशनल इनकम टैक्स भी बोला जाता है, CDT भी बोला जाता है, और ये लगता है बेटा 15%। लेकिन बेटा इसका किया जाता है ग्रॉसिंग अप, और ग्रॉसिंग अप होने के बाद जो इफेक्टिव रेट आता है वो आता है 20.555%, यानी शेयर होल्डर के हाथ में हो गया डिविडेंड एग्जेम्प्ट, कंपनी के हाथ में हो गया टैक्सेबल। तो इतना प्रोविजन समझ आ गया बेटा। अब देखिए, कंपनी अगर डिविडेंड पे करती है शेयर होल्डर को तो उसे पता चल गया कि अब उस पर टैक्स लगेगा। शेयर होल्डर्स में बेटा जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, आमतौर पर वो भी उसमें इंक्लूड होते हैं, जो चेयरमैन होता है, जो CEO होते हैं, वो भी कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं। तो अब होता क्या था, देखिए बेसिकली अगर डिविडेंड देना चाहती है कंपनी अपने डायरेक्टर को जो कि शेयर होल्डर है उसका, तो उसे पता है कि उस पर टैक्स लग जाएगा। तो अब कंपनी ने क्या करना शुरू किया बेटा, डिविडेंड पे करना बंद कर दिया और असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी शुरू कर दी, या क्या किया, लोन एंड एडवांसेस देने शुरू कर दिए डायरेक्टर को, या डिबेंचर देने शुरू कर दिए बेटा, या डिबेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू करने शुरू कर दिए डायरेक्टर्स को, क्योंकि अल्टीमेटली जो गोल था डायरेक्टर्स का वो तो कंपनी में से पैसा निकालना था ना, तो इस वजह से वो क्या करते थे, अब पैसा निकालना शुरू कर दिया और उस पर टैक्स नहीं लगता था, क्योंकि टैक्स कब लगेगा, जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा। तो इन सारी एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हुआ, इनकम टैक्स एक्ट में डीम्ड डिविडेंड का कंसेप्ट लेके आए बेटा। डीम्ड डिविडेंड यानी डिविडेंड को मान लिया गया है, वो डिविडेंड है नहीं, बट फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स उसे मान लिया गया है। उन्हीं सारी ट्रांजैक्शन के बारे में बात करता है बेटा सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज A-2E। अब समझते हैं कि जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने कैसे ट्रांजैक्शन घुमानी शुरू की इनकम टैक्स ना लगे। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंटेलिंग द रिलीज ऑफ कंपनीज एसेट्स, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज और नॉट बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर is dividend if it entails the release of all or any part of its asset। तो क्लोज ए क्या बात करता है बेटा, क्लोज ए बात करता है कि अगर कोई कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है बेटा assets, पार्ट ऑफ द एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या सारी एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो उस केस में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है असेट का ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा डीम्ड डिविडेंड। अब जो क्वेश्चन आता है सर वो ये अराइज होता है कि सर कितना होगा।
तो लॉ यहां पर बताता है बेटा, ये जो डीम्ड डिविडेंड है ये उस पोर्शन तक, उस पार्ट तक माना जाएगा टू द एक्सटेंट द कंपनी पोजेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज और नॉट, यानी किस एक्सटेंट तक जितना कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है भले ही वो कैपिटलाइज किया हो या ना किया। ठीक है बेटा, एक और बात समझिए, जब भी बेटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा एसेट्स का तो उस केस में जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी एसेट की बेटा वो कंसिडर की जाएगी, ना कि बुक वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ डीम्ड डिविडेंड। ठीक है, जैसे मैं आपके लिए एक बेटा एक एग्जांपल लेता हूँ, देखिए सपोज एक कंपनी है बेटा रैमको सिस्टम्स, ठीक है ये एक आईटी कंपनी है। अब इसकी बैलेंस शीट देखते हैं, चलिए शेयर कैपिटल, इनकी जो शेयर कैपिटल है वो है बेटा 17 लाख रुपीज़ की, ठीक है 17 लाख, और इस शेयर कैपिटल में बेटा बोनस शेयर्स भी इंक्लूड है जिनकी अमाउंट कितनी है वो है 2 लाख। ठीक है बेटा, बोनस शेयर्स जिनकी अमाउंट कितनी है रुपीज़ 2 लाख, ठीक है इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। चलिए रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस ये है बेटा ₹3 लाख, ठीक है। नेक्स्ट लायबिलिटी जो है कंपनी की, अदर लायबिलिटीज वो है बेटा 5 लाख की, ठीक है बेटा। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 25 लाख हो गया लायबिलिटीज का टोटल, ठीक है लिख देते हैं 25 लाख। चलिए असेट्स की बात करते हैं, तो सिंपल बेटा जितने भी असेट हैं उनकी वैल्यू जो है वो 25 लाख ही है, तो असेट्स की वैल्यू हमने ली है 25 लाख। अब बैलेंस शीट टैली हो गई, ठीक है। चलिए अब देखिए होता क्या, अब कंपनी क्या कर रही है बेटा, असेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है, और जो असेट है बेटा उसकी फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई है 4 लाख रुपीज़, ठीक है। केस वन, इसमें हम 4 लाख रुपीज ले रहे हैं बेटा एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है बेटा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने हैं कंपनी के, तो ध्यान दे बेटा वेदर कैपिटलाइज और नॉट, जो कैपिटलाइज नहीं है वो कितने हैं, वो है सर 3 लाख, और कैपिटलाइज कितने किए हुए हैं, कैपिटलाइज हो रखे हैं बेटा 2 लाख। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इस केस में कितने हो गए, एपी लिख देता हूं मैं सिंपल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो गए बेटा 5 लाख रुपीज, ठीक है। असेट्स जो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है उनकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, वो है 4 लाख, तो इस केस में जो डीम्ड डिविडेंट होगा वो कितना हो जाएगा बेटा 4 लाख हो जाएगा, ठीक है। केस टू, इन केस जो असेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी बेटा उसकी एफएमवी अगर हो जाती है 6 लाख, तो इस केस में बेटा डीम्ड डिविडेंट कितना होगा, मैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ए के आंसर में लिख देता हूँ, फर्स्ट का हो गया बेटा हमारा 4 लाख, ठीक है, और जो सेकंड केस है इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बेटा 5 लाख। क्यों हुआ 5 लाख, लॉ ने क्या लैंग्वेज यूज किया है बेटा, लॉ ने बोला है टू द एक्सटेंट कंपनी पोजेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज और नॉट, यानी जितने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है केवल वहां तक जो है बेटा वो डीम्ड डिविडेंड बना रहे हैं। ऐसा क्यों बना रहे हैं बेटा, तो ध्यान करिए बेटा ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं बेसिकली कंपनी इन्हीं को ही डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट किया करती है, तो लॉ मेकर की इंटेंशन क्या है, वो जानते हैं कि अगर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो यहीं से करेगी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है बेटा वहीं तक जो है डीम डिविडेंड वो कर रहे हैं, ठीक है समझ आ गया कंसेप्ट। अब एक बात और समझिए आप, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ए टू ई, ये हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ए हमने कर लिया, तो इन पांचों के केस में मैं आपको बता देता हूं जो डीम्ड डिविडेंट होता है बेटा, डीम्ड डिविडेंट, ठीक है, डीम्ड डिविडेंट बेटा ये टैक्सेबल होता है बेटा इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी इस पर टैक्स देती है बेटा, और जो शेयर होल्डर है जिसे बेटा ये रिसीव हो रहा है एसेट या डीम्ड डिविडेंट कह लीजिए आप, उसके हैंड में बेटा ये हो जाता है एग्जेम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 34, ठीक है बेटा समझ आ गया प्रोविजन। बेसिकली बेटा जो कंसेप्ट है क्लॉज ए बी सी डी चारों में लगभग यही कंसेप्ट है, जो सी हम करेंगे क्लॉज सी उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन
ऑलमोस्ट जितने भी चार क्लॉजेज हैं ये ए बी सी डी, उसमें सब में यही कंसेप्ट है, लेकिन क्लॉज ई में थोड़ा डिफरेंट है। चलिए क्लॉज बी की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स टू शेयर होल्डर्स एंड बोनस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब सिंपल, मैं आपको क्लॉज ए में कंसेप्ट समझा चुका हूँ, कंसेप्ट सब में वही एप्लीकेबल है, क्लॉज ई का डिफरेंट है, वहां पर समझेंगे। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है बेटा डिबेंचर का या डिपॉजिट सर्टिफिकेट का, किसे? शेयर होल्डर्स को। और अगर बोनस शेयर दिए जा रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, देन सच डिस्ट्रीब्यूशन टू द एक्सटेंट टू विच द कंपनी पोजेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज और नॉट विल बी डीम्ड एज डिविडेंड। समझ आ गया बेटा? अगर इक्विटी शेयर होल्डर है तो क्या डीम्ड डिविडेंड का कंसेप्ट अट्रैक्ट होगा? आंसर इज नो। बोनस शेयर अगर इक्विटी शेयर होल्डर को मिल रहे हैं तो नहीं होगा। स्पेसिफिकली यहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लिखा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मेंशन किया हुआ है, तो बोनस शेयर अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलते हैं तभी टैक्सेबल होंगे। द मार्केट वैल्यू ऑफ सच बोनस शेयर इज डीम्ड एज डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जो मार्केट वैल्यू होगी बोनस शेयर की बेटा, वो डीम्ड डिविडेंड कंसिडर कर लिया जाएगा इन द हैंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी। डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बेटा लिक्विडेशन पर, बात समझिए। एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू द शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन to the extent to which distribution is attributable to the accumulated profits of a company immediately before its liquidation, whether capitalized or not, is deemed to be dividend income. तो क्लॉज सी क्या बात करता है बेटा कि अगर लिक्विडेशन हो रहा है कंपनी का और लिक्विडेशन पे कंपनी जो है एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को, तो टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट, वो क्या हो जाएगा? डीम्ड डिविडेंड हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। लेकिन 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 बेटा एक बात यहां पर ध्यान देना, सेक्शन 46 वो मैंने आपका पेंडिंग करवाया था जब हम कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ रहे थे, उसका रोल यहां पर आ जाएगा बेटा। अब जरा सेक्शन 46 को पढ़ लेते हैं। सेक्शन 46 क्या बात करता था? कैपिटल गेन्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय कंपनीज इन लिक्विडेशन। कैपिटल गेन अराइज हो रहा है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन पर जब लिक्विडेशन में कंपनी अपनी एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो देखिए सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 क्या बात करता है, इन द हैंड्स ऑफ लिक्विडेटेड कंपनी। लिक्विडेटेड कंपनी के हैंड में क्या होगा? वेयर द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन, सच डिस्ट्रीब्यूशन शैल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर बाय द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 45। यानी क्या मतलब हुआ बेटा? सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 बात करता है कि जब कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपनी एसेट लिक्विडेशन पर, उस केस में ये जो एक्टिविटी है वो ट्रांसफर कंसिडर नहीं की जाएगी। यानी बेटा कैपिटल गेन अराइज नहीं होंगे इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, कैपिटल गेन अराइज नहीं हो रहे यानी कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगेगा इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। नेक्स्ट अब शेयर होल्डर की बात देख लेते हैं। इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर रिसीव मनी और अदर एसेट्स फ्रॉम द कंपनी ऑन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, दे विल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। कंपनी लिक्विडेशन पर असेट डिस्ट्रीब्यूट करिए शेयर होल्डर को, तो जो भी उसे असेट मिली वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। लेकिन बेटा जब कैपिटल गेन में टैक्सेबल होनी थी, फिर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी का क्या रोल है? एक एग्जाम्पल फ्रेम करता हूँ और समझिए दोनों का जो कंसेप्ट है वो क्या बात करता है। सेक्शन 46 क्या बात करता है बेटा? सेक्शन 46 का सबसेक्शन बात करता है कि एक कंपनी जब डिस्ट्रीब्यूट करती है बेटा, ठीक है, अपनी एसेट्स कहाँ पर? लिक्विडेशन में। ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशन के प्रोविजन पर ही एप्लीकेबल होगा। अगर कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है तभी ये एप्लीकेबल होगा सेक्शन, अदरवाइज नॉट। तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है एसेट लिक्विडेशन पर, तो कंपनी के हैंड में ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 ये बात करता है, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा तो यानी टैक्स नहीं देना कंपनी को। इतनी बात समझ आ गई। अब सबसेक्शन 2 क्या बात करता है? सबसेक्शन 2 बात करता है कि कंपनी जो एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने शेयर होल्डर को, जितना वो एट्रीब्यूट करती है टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज और नॉट, उतना जो है वो डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी। और जो रिमेनिंग है, जो एट्रीब्यूटेबल नहीं है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पर, वो क्या हो जाएगा? वो होगा बेटा कैपिटल गेन, और उस पर लगेगा कैपिटल गेन टैक्स। जैसे बात करें बेटा एक एग्जाम्पल की, सपोज बेटा एक कंपनी है, ठीक है, और मिस्टर ए जो है उस कंपनी के शेयर होल्डर, और ये शेयर होल्डर जो है
ये 10% जो है इनके पास शेयर होल्डिंग है कंपनी की। शेयर होल्डिंग जो इन्होंने ली थी कंपनी में बेटा, वो ली थी इन्होंने 30 जून 2019 को, ठीक है। 1000 शेयर इन्होंने परचेज किए थे बेटा 100 रुपीज़ के हिसाब से, एट द रुपीज 100 ईच। अब इस कंपनी का होता है बेटा लिक्विडेशन, कंपनी जाती है लिक्विडेशन में, और कंपनी का जो लिक्विडेशन हो रहा है वो हो रहा है 20 फरवरी 2020। और लिक्विडेशन वाले दिन जो कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं कंपनी के, वो है बेटा 2 लाख रुपीस, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब देखिए, जब लिक्विडेशन हुआ तो जो शेयर होल्डर हैं मिस्टर ए, इन्हें क्या मिलता है? इन्हें मिलती है बेटा एक मशीनरी, मिलती है जिसकी WDV है बेटा 80,000, या बुक वैल्यू आप कह लें, इसे बुक वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है, बुक वैल्यू। और मार्केट वैल्यू है इस मशीनरी की 2 लाख रुपीस। साथ ही में इन्हें कैश की अमाउंट भी मिलती है, कैश मिलता है इन्हें ₹50,000 का। अब देखिए बेटा, एक लेमैन की तरह सोचिए, मिस्टर ए ने कंपनी में कितने अमाउंट इन्वेस्ट की थी? 1 लाख, ठीक है बेटा, 1 लाख रुपीज़ इन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट की कंपनी में। और इन्हें मिला क्या? इन्हें बेटा एक तो मिल रही है बेटा मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू है 80,000 और मार्केट वैल्यू है 2 लाख, और कैश मिल रहा है 50,000। तो जितना लगाया उससे अगर ज्यादा मिला तो बेटा वो हो गया हमारी इनकम, यानी उस पर टैक्स लग जाएगा, और अगर कम मिला तो वो हो गया हमारा नुकसान। इसी को समझना है बेटा हमें, सेक्शन 46 कहां पर अप्लाई होगा और सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी कहां पर अप्लाई होगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बेटा सेक्शन 46 की। सेक्शन 46 क्या बात करता है? कंपनी जो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है मशीनरी या कैश या असेट, ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं अराइज होगा इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी की बात करिए, वो क्या बोलता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लिक्विडेशन पर असेट का, तो डीम्ड डिविडेंड के प्रोविजन लग जाएंगे टू द एक्सटेंट कंपनी पोजेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो इस केस में बेटा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने हैं कंपनी के? 2 लाख। मिस्टर ए की शेयर होल्डिंग कितनी है? 10%। तो डीम्ड डिविडेंड कितने हो गए एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए? 2 लाख का 10%, ये हो गया बेटा 20,000, ठीक है। तो अब कंप्यूट करते हैं बेटा एक्चुअल में कितनी इनकम हो रही है मिस्टर ए को। मिस्टर ए को क्या मिला बेटा? कैश मिला 50,000 का, ठीक है। मशीनरी 80,000 की मिली, और जिसकी मार्केट वैल्यू क्या है, FMV भी बोल सकते हैं हम इसे, फेयर मार्केट वैल्यू है 2 लाख। तो बेटा मैं आपको बता दूं, एक सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी सेंट्रल इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाई थी कि फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी एंड डी, जो असेट्स डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है शेयर होल्डर्स को, तो जिस डेट पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एसेट्स का, उस डेट पर उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो कंसिडर की जाएगी इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है। तो FMV कितनी है मशीनरी की? वो है 2 लाख। 2,50,000 रुपए तो ये मिले, 20,000 का डीम्ड डिविडेंड, बट इस पर टैक्स कौन देगा? इस पर टैक्स देगी कंपनी। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। तो 2,50,000 माइनस कितने? 20,000, ठीक है बेटा, 2,30,000। ये तो है उनकी अमाउंट आज की डेट पर, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेयर, जितने के खरीदे थे बेटा उन्होंने, 1 लाख के शेयर इसमें से रिड्यूस कर दीजिए। तो ये क्या अराइज होके आ गया? ये हो गया बेटा 1,30,000 का कैपिटल गेन। और जब आप इसे बेटा प्रेजेंटेशन में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। आपको दिखाना बेटा सबसे पहले कैपिटल गेन की इनकम। कैपिटल गेन की इनकम कैसे दिखाएंगे आप? आप दिखाएंगे बेटा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसमें सबसे पहले लिखेंगे FMV ऑफ मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू कितनी थी बेटा? 2 लाख, ठीक है। कैश 50,000, ये कितना आ गया? 2,50,000 आ गया, ठीक है बेटा। माइनस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितनी है? 20,000।
230,000 हो गई बेटा ये। अब इसमें से रिड्यूस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थे 1,00,000, तो 1,30,000 हो गया बेटा कैपिटल गेन। कौन सा कैपिटल गेन होगा, ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? ये होगा बेटा शॉर्ट टर्म। दूसरी तरफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे आइए, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको दिखाना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितनी है 20,000 माइनस डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी। ये 20,000 इसमें से माइनस कर दीजिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितनी होगी बेटा नील हो गई। ठीक है, समझ आ गया। चलिए क्लॉज डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल। अब देखिए एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर बाय अ कंपनी ऑन द रिडक्शन ऑफ इट्स कैपिटल टू द एक्सटेंट टू विच द कंपनी पोजेस एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज और नॉट शैल बी डीम्ड टू बी डिविडेंड। अगर बेटा कैपिटल का रिडक्शन हो रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, कंपनी ने अपनी कैपिटल जो है बेटा रिड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूट कर दी शेयर होल्डर्स को, तो उस केस में भी वो डीम्ड डिविडेंड हो जाएगी। और कौन से क्लॉज में फॉल करेगी, ये क्लॉज में फॉल करेगी डी में। ठीक है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ए किसकी बात करता है बेटा, क्लॉज ए बात करता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है बेटा कंपनी की एसेट अदर देन लिक्विडेशन तो बेटा क्लॉज ए एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर डिबेंचर या डिपॉजिट सर्टिफिकेट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं या बोनस शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो उस केस में क्लॉज बी अट्रैक्ट कर जाएगा। क्लॉज सी बात करता है कि अगर जन पे एसेट डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है तो क्लॉज सी अट्रैक्ट होगा, साथ ही सेक्शन 46 के प्रोविजन भी अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, और क्लॉज डी बात करता है कि अगर कैपिटल की रिडक्शन हो रही है यानी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है कैपिटल शेयर होल्डर को तो भी डीम डिविडेंड हो जाएगा। इन चारों केसेस में जो हमने पढ़े ए बी सी डी, इन चारों केसेस में जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगेगा और क्या रेट रहेगा उसका 20.555% जो हमने किया था बेटा। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास, अब आप करिए इसका रिवीजन। इन केस अगर आपको आती है कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।